हेलो एवरीवन, दिस साइड डॉक्टर अंकित गोयल, अंकित फाइनेंस क्लब में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप देख रहे होंगे मैंने यहाँ लिख रखा है कि एफडी पे आपको रिटर्न मिलेगा 11.76% का। जी हाँ दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि आजकल तो एफडी पे 5-5.5% रिटर्न हो गया है, ये 11.76% मैं कैसे बता रहा हूँ? तो दोस्तों, पूरा वीडियो देखिए, मैं आपको बताऊंगा आप एफडी करा सकते हैं। और दोस्तों, कॉन्टेक्ट लेस एफडी होगी, आपको बैंक भी नहीं जाना पड़ेगा, आपकी टच फ्री एफडी खुल जाएगी और ऑनलाइन बहुत इजीली खुल जाएगी। तो आइए दोस्तों देखते हैं। तो दोस्तों, आपको सिंपली क्या लिखना है, आपको लिखना है डीसीपी जीपी। जी हाँ दोस्तों, प्राइवेट सेक्टर बैंक है डीसीपी बैंक, इसकी बात कर रहा हूं मैं। दोस्तों बहुत सारी प्राइवेट बैंक है, जैसे आईसीआईसी बैंक है, एक्सिस बैंक है, एचडीएफसी बैंक है, इसी तरीके से डीसीपी बैंक है। दोस्तों पुरानी बैंक है, सिक्योर्ड बैंक है। तो हमें सिंपली क्लिक करना है दोस्तों डीसीपी जीपी ऑनलाइन फिक्स डिपोजिट। आप देख सकते हैं ऑनलाइन वर्ड लिखा हुआ है, फिक्स डिपोजिट कराने जा रहे हैं हम यहाँ पे। और आप देखेंगे काफी अच्छे बेनिफिट दे रही है ये जीपी ऑनलाइन एफडी क्या है, किस तरीके से बिना बैंक जाए आप एफडी करा सकते हैं, पूरा प्रोसेस मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि यहाँ पे लिखा हुआ है डीसीबी जीपी ऑनलाइन फिक्स डिपोजिट एक्सपीरियंस मैक्सिमम कन्वीनियंस एंड गेट सुपीरियर रिटर्न। जी हाँ दोस्तों, सुपीरियर रिटर्न इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ इस पे आपको 11.76% तक रिटर्न मिल जाएगी। तो दोस्तों, अभी हम सारी बातें करेंगे। यहाँ पे आपके पास दो चीजें होनी चाहिए दोस्तों, पैन कार्ड और आधार कार्ड। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है नो नीड टू विजिट द बैंक एट ऑल, आपको बैंक जाने की जरूरत ही नहीं है। योर आधार कार्ड एंड पैन कार्ड आर मैंडेटरी फॉर ओपनिंग दिस डीसीबी जीपी ऑनलाइन फिक्स डिपोजिट। जी हाँ दोस्तों, आपको ये डीसीबी बैंक में जीपी ऑनलाइन फिक्स डिपोजिट खोलनी है, केवल पैन कार्ड और आधार कार्ड होना चाहिए, उसी के थ्रू केवाईसी हो जाएगी और आपको कोई भी डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट नहीं है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, हमें सबसे पहले जब भी हम देखते हैं मार्केट में, आज के टाइम में हम रिटर्न देख रहे हैं क्योंकि रिटर्न काफी कम हो गया है, तो यहाँ डिपॉजिट रेट्स मैं आपको दिखा देता हूँ। सिंपली हमें डिपॉजिट रेट्स पे क्लिक करना है। दोस्तों, ये डीसीबी बैंक की ही वेबसाइट मैंने ओपन कर रखी है, अपनी तरफ से कोई भी डाटा रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा हूँ, केवल ऑनलाइन लाइव चल रहा है। तो दोस्तों, ये देखिए डिपॉजिट रेट्स हैं, इंटरेस्ट रेट्स हैं एफडी पे, और ये अपडेट हुए हैं 7 मई 2020 को, और ये अभी भी फिलहाल यही चल रहे हैं। अब दोस्तों, यहाँ अलग अलग टाइम के हिसाब से एफडी के रेट होते हैं, 7 दिन से आप एफडी करा सकते हैं कम से कम। और दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं 120 मंथ तक एफडी करा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर 60 से 120 मंथ 5 से 10 साल कराते हैं, यानी 5 से 10 साल की, तो जो इंटरेस्ट रेट मिल रहा है वो 7.35% मिल रहा है। पर दोस्तों, ये बता देता हूँ, ये हर 3 महीने में कंपाउंडिंग होता है, यानी 3 महीने में जो आपने इंटरेस्ट कमाई उस पर फिर आपको इंटरेस्ट मिलेगा। इस तरीके से अगर आप जो 5 से 10 साल का देखेंगे एनुअलाइज्ड रिटर्न, कि हर साल आपको पर एनम कितना रिटर्न मिल रहा है, तो वो बैठेगा आपका दोस्तों 10.72%। तो मुझे लगता है काफी अच्छा रिटर्न दे रही है प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर में और भी बैंक है जो अच्छा रिटर्न दे रही है। कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था मैंने आईडीएफसी बैंक पे, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पे, वो भी काफी अच्छा रिटर्न दे रही है। और दोस्तों, ये जो मैं आपसे कहता है 11.76%, ये है दोस्तों सीनियर सिटीजन के लिए। सीनियर सिटीजन वो लोग होते हैं जिनकी एज 60 इयर्स प्लस होती है, उनके लिए वैसे तो इंटरेस्ट रेट जो बताया गया है वो 7.85% बताया गया है। पर दोस्तों, अगर हम इसको एनुअलाइज रिटर्न देखेंगे तो ये करीबन आएगा आपका 11.76%। तो दोस्तों, ये जो रेट एप्लीकेबल हो रहे हैं आप देख सकते हैं अलग अलग टाइम के लिए। अगर आप कम टाइम के लिए 3 साल के लिए कराना चाहते हैं तो अभी दोस्तों रेट 7.35% है और इसका एनुअलाइज रिटर्न बैठेगा 8.14%। तो मुझे लगता है जहां जो पब्लिक सेक्टर बैंक है 5-5.5% रिटर्न दे रही हैं, उनके कंपैरिजन में काफ़ी अच्छा रिटर्न दे रही हैं। अब दोस्तों, क्वेश्चन ये उठता है कि इसको हम ओपन कैसे कराएं, क्योंकि हमने ये तो देख लिया कि अच्छा रिटर्न दे रही है। तो दोस्तों, इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ, हम बैक जाते हैं डीसीपी, जहां मैंने क्लिक किया था आपको डीसीपी जीपी पे, आपको सिंपली वहीं पे वापस आना है। और दोस्तों, देख सकते हैं हम वापस आ गए हैं, यहाँ पे हमने डिपॉजिट रेट देखे थे। तो यहाँ पे देखिए ओपन डीसीबी जीपी ऑनलाइन फिक्स डिपॉजिट, आपको सिंपली यहाँ क्लिक कर देना है। मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ, हमने सिंपली गूगल पे क्लिक किया था डीसीबी जीपी ऑनलाइन एफडी, तो ये वेबसाइट ओपन हो गई। डीसीबी बैंक की वेबसाइट है, dcbbank.com लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। इसमें दोस्तों हमने सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है ओपन डीसीबी जीपी ऑनलाइन एफडी। आप जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक फॉर्म ओपन हो जाएगा जिसमें केवल बहुत बेसिक डिटेल्स आपसे मांगी जाएंगी और आपकी ऑनलाइन एफडी हो जाएगी। मैं अभी बताऊंगा क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए, साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि आप उसको कैसे चेक करेंगे। तो दोस्तों, ये देखिए ओपन हो चुकी है और ये कह रहा है कि अलर्ट कह रहा है आपके पास पैन कार्ड और आधार कार्ड होना जरूरी है। जब आप इस
एफडी में पैसा डालेंगे ऑनलाइन, तो ये आपका पुरानी कोई भी बैंक अकाउंट है उससे लिंक किया जाएगा, तो आपके पास पुराने बैंक अकाउंट की भी डिटेल होनी चाहिए। जैसे सपोज कर लीजिए, यहाँ पे मैं सेविंग अकाउंट तो खोल नहीं रहा, यहाँ पे मैं केवल ऑनलाइन एफडी कर रहा हूँ। तो सपोज कर लीजिए दोस्तों, इस बैंक में अगर मैं 10,000 की एफडी कराता हूँ, तो इस एफडी में पैसा कहाँ से आएगा? मेरी किसी बैंक से ट्रांसफर हो गया आएगा, क्योंकि मैं बैंक तो जा नहीं रहा, कॉन्टेक्ट फ्री है, टच फ्री है। तो जिस बैंक से जा रहा हूँ, ओबीसी से अगर मेरा पैसा आ रहा है, तो ओबीसी के मेरे पास बैंक डिटेल होनी चाहिए। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है ओपन डीसीबी जीपी ऑनलाइन एफडी। आपको अपना नाम डालना है, अपनी ईमेल आईडी डालनी है और अपना मोबाइल नंबर डालना है। दोस्तों फर्दर जितने भी कम्युनिकेशन होंगे, आपको मेल आया करेंगे, मोबाइल नंबर पर मैसेज आएगा, इसलिए दोनों बहुत जरूरी है। और ये इंडियन रेजिडेंट के लिए, यानी दोस्तों एनआरआई के लिए नहीं है। अगर आप इंडियन रेजिडेंट हैं तो अभी आप खोल सकते हैं, और अगर आपको ये किसी स्टाफ से पता लगा है डीसी बैंक के, तो आप सिंपली यहाँ क्लिक करके उसका नाम और उसका कोड दे सकते हैं, पर मैं यहाँ अनटिक कर देता हूँ। और दोस्तों सिंपली आपको ये ओपन डीसीबी ऑनलाइन एफडी पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे दोस्तों, दो बॉक्सेस और ओपन होंगे, एक में आपको पैन कार्ड अपलोड करना है, एक में आपको आधार कार्ड अपलोड करना है। जैसे ही आप अपलोड कर देंगे, आपके सामने एक और पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें आपसे पूछा जाएगा कितने की एफडी करानी है और कितने टाइम के लिए करानी है। आप सिंपली अपने अकॉर्डिंग इन्फॉर्मेशन भर दीजिएगा, आपको एक कस्टमर नंबर मिल जाएगा, कस्टमर आईडी मिल जाएगी, और आपकी एफडी ओपन हो जाएगी। अब दोस्तों आपकी एफडी तो ओपन हो गई, पर इसकी इंटरेस्ट कहाँ मिलेगी आपको? क्योंकि आपका कोई सेविंग अकाउंट तो है नहीं डीसीबी में, या अगर वो मैच्योर हो जाती है तो वो पैसा कहाँ आएगा? तो दोस्तों मैं बता देता हूँ आपको, आपको अपना एक बैंक अकाउंट लिंक करना होगा। सपोज कर लीजिए मैं ओबीसी के थ्रू इसमें पैसा इन्वेस्ट किया, तो जो भी मुझे इंटरेस्ट मिलेगी वो डीसीबी बैंक ट्रांसफर कर देगी मेरी ओबीसी बैंक में, या जब मेरी एफडी मैच्योर हो जाएगी तो वो पैसा डीसीबी बैंक मेरे ओबीसी बैंक में डाल देगा। तो अगर आपको कभी दोस्तों प्री मैच्योर करवानी है, या आपको सारी चीजें चेक करनी है, तो आपको सिंपली क्या करना है, मैनेज माई डीसीबी जीपी पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे अपना पैन नंबर फिल करके वेरीफाई करना है। ये आपके सामने एक पेज ओपन कर देता है, जिसमें आपकी एफडी रिफ्लेक्ट होने लगेगी, और आप आगे का प्रोसीजर, उसको आप पैसा विड्रॉ करना चाहें पैसा विड्रॉ कर सकते हैं, अपनी इंटरेस्ट देखना चाहें कुछ भी देखना चाहें, सारी ही चीजें पॉसिबल हैं। तो दोस्तों आई होप आपको समझ में आ गया। अब दोस्तों मैं एक चीज आपको बता देता हूँ, जो डायरेक्टली यहाँ पे नहीं लिख रही, पर ये कस्टमर केयर का जो नंबर दे रखा है, मैंने इनसे कॉल करके कंफर्म किया है, इन्होंने भी मुझे यही बताया है कि अगर आपकी एफडी 90,000 से कम की है, राइट, मैं भी आपको बताऊंगा कितने से एफडी करा सकते हैं, आप 10,000 से एफडी करा सकते हैं 5,00,000 तक की, पर मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, उसे ध्यान से सुनिए। अगर आपकी एफडी 90,000 रुपए तक की है, तो आप उसको ब्रेक करा सकते हैं पहले ही। मान लीजिए मैं 5 साल की कराई, पर मैं 3 साल में ही ब्रेक कराना चाहता हूँ, आप बिल्कुल ब्रेक करा सकते हैं और आपका पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा। पर अगर 90,000 से ऊपर की एफडी आप करा रहे हैं, तो आपको बैंक की ब्रांच में जाना पड़ेगा और तब जाके वो ब्रेक होगी। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, मुझे लगा आपको बताना चाहिए। और दोस्तों अगर आप प्री मैच्योर विड्रॉ करते हैं, 5 साल की मैंने एफडी कराई पर मुझे लग रहा है 3 साल बाद ही पैसे निकाल लूं, तो आधा परसेंट का पेनल्टी लगती है, 0.5% की, राइट। तो दोस्तों ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पता लग गई होगी कि कैसे ओपन करते हैं, कितनी इंटरेस्ट मिल रही है। अब कुछ बातें मैं और बता देता हूँ। तो मैं यहाँ पे सिंपली क्लिक कर रहा हूँ, व्हाट मोर डू आई गेट, मुझे और क्या मिलेगा इस अगर मैं जिप्पी ऑनलाइन एफडी खोलूंगा। तो दोस्तों इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट जानकारी आ गई है, आप देख सकते हैं ये फिक्स डिपोजिट जो आप कर सकते हैं दोस्तों, 30 दिन से 5 साल के लिए कर सकते हैं आप, राइट। साथ ही साथ दोस्तों मैं ये भी बता देता हूँ, मिनिमम 10,000 से आपको ये एफडी करनी है और 5,00,000 तक की आप एफडी कर सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट बात जो आप सभी को ध्यान रखनी है, एक पर्सन दोस्तों एक ही जीपी एफडी ओपन कर सकता है। अभी ऐसा नहीं है कि आज मैंने 20,000 की एफडी करा ली और मैं 10 दिन बाद सोचूं एक 50,000 की और ऑनलाइन एफडी करा दूं। अभी तक इन्होंने रेस्ट्रिक्शन लगा रखा है कि एक पैन कार्ड पर एक ही एफडी इश्यू होगी, चाहे आप कितने की भी करा लें। पर इनका कहना है, इन्होंने आगे बता रखा है कि हम ये कोशिश कर रहे हैं, हम ट्राई कर रहे हैं कि एक पर्सन के लिए मल्टीपल एफडी अलाउ करें। और साथ ही साथ दोस्तों आप ये देख सकते हैं, ये लिख रखा है बेनिफिट फ्रॉम द पावर ऑफ क्वार्टरली कंपाउंडिंग, यानी कि जो भी आपको इंटरेस्ट मिलेगी वो हर क्वार्टर पे मिल जाएगी और फिर से वो इन्वेस्ट हो जाएगी, यानी इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलेगी और आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। अब दोस्तों मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि अगर आपको और कुछ भी जानकारी चाहिए इससे रिलेटेड, वैसे तो मैं आपको बता चुका हूँ कि इंटरेस्ट कितने मिलेगी, कितने टाइम के लिए खोल सकते हैं, कितना अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं, कैसे आपको ओपन करना है, कब आप विड्रॉ कर सकते हैं, फिर भी आपको कुछ और जानकारी चाहिए, तो सिंपली यहाँ पे दोस्तों फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन दे रखे हैं, आप यहाँ पे सिंपली क्लिक करेंगे तो एफएक्यू की एक अलग से पीडीएफ खुल जाएगी, जिसमें काफी क्वेश्चन के आंसर आपको मिल जाएंगे। ये आपको एक कुछ क्वेश्चंस मैं बता देता हूँ दोस्तों,
जैसे कि आज सपोज कर लीजिए मैं इस बैंक में अंकित गोयल के नाम से एफडी कराना चाहता हूँ, तो जिस बैंक के थ्रू मैं लिंक कर रहा हूँ, मैंने बताया मैं ओबीसी के थ्रू लिंक कर रहा हूँ या पीएनबी के थ्रू, वो मेरा ही बैंक अकाउंट होना चाहिए तभी जाके आप ये एफडी खोल पाएंगे। ऐसा नहीं है मैं अपनी वाइफ के, अपने बच्चों के, अपने फादर या मदर के अकाउंट से इसमें ट्रांसफर कर रहा हूँ, वो भी अकाउंट मेरा ही होना चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों कोई और भी आपको जानकारी चाहिए, वैसे तो इसमें बहुत सारी जानकारी दी हुई है, आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, मैं ये लिंक अपनी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं, या आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा उसका आंसर देने के लिए। और फिर भी अगर आपको कुछ बैंक से ही पूछना है दोस्तों, तो ये देखिए ये दोनों टोल फ्री नंबर हैं, मैंने इनको मिला के देखा था, बहुत इजीली मिल जाते हैं चुटकियों में, टाइम भी नहीं लगता, आप इनसे कुछ भी क्वेरी पूछ सकते हैं, कस्टमर केयर से मिला के ये आपको बता देंगे। अब दोस्तों अगर आपको और भी जानकारी चाहिए, इनकी और भी एफडी हैं, जैसे एक ये सुरक्षा एफडी है, ये तो जिप्पी एफडी थी जिसमें बैंक में अकाउंट खोलने की जरूरत नहीं है, अगर सुरक्षा एफडी कराना चाहते हैं तो दोस्तों जितने की एफडी कराएंगे उतने का ही आपको इंश्योरेंस भी मिल जाएगा। तो ऐसे कई तरह की इन्होंने स्कीम बना रखी है, आप देख सकते हैं। बैंक के बारे में ज्यादा जानकारी चाहिए दोस्तों आपको मेन मेन्यू पे जाना है, मेन मेन्यू पे ये देखिए ओपन बैंक अकाउंट खोलना है, वो भी खुल जाएगा, एफडी भी खुल जाएगी। यहाँ पे हमें बैंक के बारे में ज्यादा जानकारी चाहिए तो दोस्तों हम सिंपली अबाउट अस पे क्लिक करेंगे, और जैसे ही हम अबाउट अस पे क्लिक करेंगे ये बैंक का एक अबाउट अस, इन्होंने पूरी जानकारी दे रखी है कि प्राइवेट बैंक है, 6 लाख से ज्यादा कस्टमर है, इनका प्रॉफिट भी इंक्रीज हुआ है, अच्छा रिटर्न मिल रहा है, ब्रांचेज इनके ऑल ओवर इंडिया 336 से भी ज्यादा है, 19 स्टेट में है और 2 UT में है। फिर भी आपको दोस्तों बैंक के बारे में और चाहिए तो देखिए यहाँ ब्रोशर दे रखा है, मैं यहाँ सिंपली क्लिक करूंगा, आपको बैंक के बारे में पूरी डिटेल मिलेगी इस ब्रोशर में, इनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट सारी इंपॉर्टेंट जानकारी मिलेगी, इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे रखा है दोस्तों, आप सिंपली वहां क्लिक करेंगे आपका ये ब्रोशर डाउनलोड हो जाएगा और जिससे आपको ये जानकारी मिलेगी। तो ये देखिए दोस्तों डीसीबी बैंक का पूरा ब्रोशर ओपन हो चुका है और यहाँ पे मैं आपको बताया था सारी जानकारी मिलेगी, तो दोस्तों आप देख सकते हैं बैंक के बारे में पूरी ग्रोथ प्लान बताया हुआ है, फिर इन्होंने और डिटेल दे रखी है, अपने विजन मिशन के बारे में बता रखा है, क्या क्या फैसिलिटी देते हैं ये, डिपॉजिट से रिलेटेड, इंश्योरेंस से रिलेटेड, लोन से रिलेटेड, वो सारी स्कीम्स इन्होंने बता रखी हैं, इंश्योरेंस भी कराते हैं दोस्तों ये, इनके चेयरमैन के बारे में, मैनेजिंग डायरेक्टर के बारे में, एमडी के बारे में, पूरी मैनेजमेंट टीम के बारे में, उनकी सारी मेल आईडी, उनके कॉन्टैक्ट नंबर, सारी ही डिटेल यहाँ पे दे रखी है और बहुत सारी जानकारी आपको बैंक की वेबसाइट पर विजिट करने से मिल जाएगी। आप यहाँ पे सिंपली मेन मेन्यू पर जाइएगा, क्विक फैक्ट्स के बारे में जाइएगा, की फाइनेंशियल पे आप क्लिक करेंगे तो इसके फाइनेंशियल के बारे में आपको पता लग जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से मैं आपको ये जानकारी देना चाह रहा हूँ कि आज भी कुछ बैंक ऐसी हैं, प्राइवेट बैंक ऐसी हैं जो आपको अच्छा रिटर्न दे रही हैं, आप ज़्यादा नहीं थोड़ा सा अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं जिससे आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है। और दोस्तों ये एक तरीके से मैंने आपको इसलिए ज़्यादा फोकस किया क्योंकि यहाँ पे आपको बैंक के पास विजिट करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली कॉन्टैक्ट फ्री है, केवल आपके पास पैन कार्ड, आधार कार्ड होगा, आप ऑनलाइन खोल लेंगे, आपको अकाउंट खोलने की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आपकी एफडी खुल जाएगी। इसी तरीके से दोस्तों एक्सिस बैंक भी लेके आया हुआ है एक्सप्रेस एफडी के नाम से, जिसका मैंने अलग से वीडियो बना रखा है, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको देख सकते हैं। तो आज के टाइम में अगर कोविड से बचने के लिए आप बैंक नहीं जाना चाहते तो ऑनलाइन ही चुटकियों में आपकी एफडी खुल जाएगी, जब चाहे आप पैसा निकाल भी सकते हैं इसमें, कुछ टाइम है दोस्तों इनका 14 दिन 15 दिन, तब तक आप पैसा नहीं निकाल सकते, उसके बाद आप प्री मेच्योर भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी, और फिर भी आप, मैं आपसे कहूंगा कि आप अपना पैसा इन्वेस्ट करने से पहले पूरा जांच लें, इस बैंक के बारे में अच्छे से पता कर लें, इसकी वेबसाइट पर जाके देख लें, इसके फाइनेंशियल्स देख लें, डिटेल्स देख लें, इनके मैनेजमेंट टीम सबके बारे में पढ़ लें, उसके बाद आप इन्वेस्ट करें। तो हमारे चैनल के साथ बने रहने के लिए थैंक यू दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन भी जरूर प्रेस करेगा जिससे ऐसे ही अपकमिंग वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। और दोस्तों आरबीआई ने भी अपने बॉन्ड दोबारा से लॉन्च कर दिए हैं, आरबीआई सेविंग बॉन्ड के नाम से, इंटरेस्ट रेट 7.15% दे रहे हैं, टोटली सिक्योर हैं, जिसका एक अलग से वीडियो बना रखा है दोस्तों, आप उसे देख के उसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। थैंक यू।